गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे बच्चों आप? और जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी यूनिट नंबर 10 चल रही है जिसका नाम है बच्चों इकोलॉजी। और इकोलॉजी का जो चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू बच्चों, आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का आज हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट लगाएंगे। इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि पॉल्यूशंस क्या होता है, यस, पॉल्यूटेंट्स क्या है और टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स कितने हैं, यस। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स को एक एक हम लोग देखेंगे जो हमारे नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और समझते हैं सबसे पहले एनवायरमेंटल इशू के अंतर्गत ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी जर्नी पे निकलते हो और आपको पता हो कि कौन कौन से स्टेशन आने वाले हैं तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है और इंटरेस्टेड बन जाती है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि एनवायरमेंटल इश्यू में हमें क्या क्या स्टडी करनी है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी है। सबसे पहले हमें डिफिनेशन देखनी है पॉल्यूशंस की, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स की बात करनी है और सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करनी है बच्चों एयर पॉल्यूशंस की। किसकी बात करनी है? एयर पॉल्यूशंस की, कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो हमें सेकंड बात करनी है वो बात करनी है वाटर पॉल्यूशंस की और इसके कंट्रोल की, कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है और हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है सॉलिड वेस्ट, यस, सॉलिड वेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे एग्रोकेमिकल्स हैं जो पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, यस, तो इनकी भी बात हम लोग करने वाले हैं। रेडियो एक्टिव वेस्टेस क्या होते हैं, कैसे इनको इस तरीके से निपटाया जाए कि पॉल्यूशन से हम बच सकें, इनके रेडिएशन से हम बच सकें, इनकी बात हम लोग आज के सेशन पे नहीं लेकिन नेक्स्ट सेशन पे करेंगे बच्चों। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ती जा रही है, कौन कौन सी गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर दैट हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ओजोन डिप्लीशन की, जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन के लिए है। After that हम लोग बात करेंगे degradation by improper resources utilization and maintenance, yes, और finally जो हमारा last topic होगा इस chapter का बच्चों वो होगा deforestation। तो यहां पर आपको सारे stations दिख रहे हैं जो हमको environmental issue के अंतर्गत इन सभी को study करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब भी हम environmental issue का chapter start करेंगे सबसे हम समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि pollution की definitions क्या होती है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और चैप्टर के फर्स्ट स्लाइड पे जैसे हम आते हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों कि किस तरीके से देख रहे हैं यहां पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन के रूप में है, जो चिमनियों से निकल रहा है, ऑटोमोबाइल से निकल रहा है, यस, नॉइज पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, इन सभी की बात हमें करनी है। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें कि वास्तव में पॉल्यूशन की डिफिनीशंस क्या होती है, अगर हम बोले कि प्रदूषण को हम किन शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं तो डिफिनीशन ऑफ पॉल्यूशन जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है बच्चों क्या लिखा हुआ है कि पॉल्यूशन जो है वो कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब जो आप नहीं चाहते हैं, पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंजेस हो जाए किसमें, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो जाए। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स में? एयर के, लैंड के या वाटर के या सॉइल के। तो ऐसे चेंजेस को हम पॉल्यूशन बोलते हैं। फिर से हम बोले क्या डिफाइन हमने किया, हमने डिफाइन किया कि जब भी सॉइल, वाटर, लैंड, एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे चेंज हो जाए, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो, जो कि अनडिजायरेबल हो, जो हम नहीं चाहते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं पॉल्यूशन। क्लियर है पॉल्यूशन क्या है, अनडिजायरेबल चेंज है किसमें, फिजिकल में, केमिकल में, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, किसके, लैंड में, सॉयल में, वाटर में और एयर में, इसी को हम बोलेंगे पॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इन पॉल्यूशन को जो फैलाते हैं, जो एजेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स क्या है, एजेंट्स हैं दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंजेस और इन्हीं को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो ये जो अनडिजायरेबल चेंजेस आ रहा है कहां पर, वाटर में, सॉइल में,
एयर में जो हम नहीं चाहते हैं, इन जो अनडिजायरेबल चेंजेस आ रहे हैं, इसके लिए जो एजेंट्स हैं, जो कारक हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। यस, जैसे अगर हम बोले कि एयर में अगर सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुआ? पॉल्यूटेंट्स हुआ। आपको पता है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज नेचुरल है, लेकिन अगर उस नेचुरल परसेंटेज से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अगर हम एयर में बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एज पॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे अगर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स लगातार ये जो पॉल्यूशन है इसको बढ़ने देगी, टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट लॉज आए हैं कि इन पॉल्यूशन को रोका जाए, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन आए हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें बच्चों, तो आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल पास किया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1986 में। और ये जो प्रोटेक्शन एक्ट था ये इसलिए था कि हम अपने एनवायरमेंट को स्वच्छ रख पाए, एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर पाए। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसका जो एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट था, इसका एम था प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना। क्या इंप्रूव करना? क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट्स, हमारे एनवायरमेंट्स की जो क्वालिटी है, किसके रेफरेंस में? एयर के रेफरेंस में, वाटर के रेफरेंस में और सॉइल के रेफरेंस में, इनकी क्वालिटी को हम इंप्रूव कर पाए। जैसे अगर सॉइल की इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को अपनाएं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को जो तेजी से डिक्रीज हो रही है उसको रोका जा सके। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में अगर लगातार वाटर जो रिजर्वायर है, जो वाटर बॉडीज हैं, अगर उसमें पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो हमारा पीने लायक पानी खत्म हो जाएगा। तो उसको हम कुछ इस तरीके से करें कि जो वाटर रिजर्वायर है उसमें जो हम इफ्लुएंट डालते हैं, यस, उसमें इस तरीके से प्योर करके डालें कि वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड होने से बचे। तो कुछ इस तरीके की हमें क्वालिटी भी इंप्रूव करना है, और इसके लिए जो एक्ट आया था वो आया था 1986। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन में भी फॉर्म फ्रॉम हियर। ओके चलिए, तो इस स्लाइड में हम लोगों ने दो चीज समझा बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि पॉल्यूशन की डेफिनेशंस क्या होती है, सेकंड हम लोगों ने समझा कि पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, और थर्ड हमने समझा कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट आया था कब आया था, 1986 में, और इस एक्ट का एम क्या था इसको हम लोग ने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि कितने तरीके के टाइप्स क्या है, किसके? पॉल्यूटेंट्स के। कितने तरीके के पॉल्यूटेंट्स हैं जो इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट्स को गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूट्स कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर पहला जो पॉल्यूटेंट्स है इसको बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकंड पॉइंट आता है, ये होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, छह तरीके के मुख्यतः पॉल्यूटेंट्स हैं। तीसरा होता है बच्चों क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। फोर्थ होता है हमारा क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। फिफ्थ होता है ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं बच्चों जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो यहां पर बच्चों आपने देखा कितने तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो सिक्स टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, थर्ड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, फोर्थ क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, फिफ्थ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, और सिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझेंगे कि ये पॉल्यूटेंट्स हैं क्या, इनका मतलब क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस आता है बच्चों एक तरफ दे देगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और चौथी तरफ इनके नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा अब आपको मैचिंग करनी है। तो आपको समझना चाहिए इनकी डिफिनेशंस को, इसके एग्जांपल्स को। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। पहले हम इन दो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और सबसे लास्ट वाली स्लाइड में चारों तरीके के पॉल्यूटेंट्स की डिफिनेशन और इससे रिगार्डिंग जो भी एग्जाम्पल है बच्चों उन सभी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यस,
अगर हम बात करें टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स की बच्चों, तो देखो सबसे ज्यादा यहां पर किस तरह का पॉल्यूशन दिख रहा है आपको, यहां पर प्रॉपर एयर पॉल्यूशन दिख रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की, तो मैंने आपको बताया बच्चों कि दो तरीके के पॉल्यूटेंट्स हमें सबसे पहले स्टडी करनी है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बायो में एक चीज बहुत अच्छी होती है बच्चों कि जब आप उसके वर्ड्स को देखते हैं तो वर्ड्स ही बहुत कुछ कह देते हैं, वही बहुत सारी चीजों को डिफाइन कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर लिखा हुआ है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, तो कैसे पॉल्यूटेंट्स हैं, ये शुरुआती हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं बच्चों, ये ये इन्वायरमेंट्स में या एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इनकी एंट्री होती है, और जब भी इनका परसेंटेज बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि भाई अब पॉल्यूशन बढ़ गया है। अगर हम बात करें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के प्रॉपर एग्जाम्पल की, तो हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ये भी डायरेक्टली इंटर कर रहा है एटमॉस्फेयर में। जब हम सांस लेते हैं तो वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, हमारे सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। यस, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर निकालते हैं तो बदले में हम क्या इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। तो ये तो एक नेचुरल चीज हो गई, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी आ रहा है, बड़ी बड़ी चिमनियों से बाहर निकल रहा है, बहुत ज्यादा है जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वहां से चिमनियों से बाहर आ रहा है धुआं के रूप में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इस तरीके अब कार्बन डाइऑक्साइड ये पॉल्यूटेंट्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अनडिजायरेबल चेंजेस कर रहा है इन्वायरमेंट्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। सल्फर डाइऑक्साइड्स क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि धुएं के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी आ रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। उसी तरह से फ्लाई ऐश, जो उड़ती हुई राख है, जो भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टे होते हैं, वहां पर जो चिमनियां लगी होती है बच्चों, जो चिमनियां लगी होती है इस तरीके से, तो वहां पर जो देखो इस तरीके से, इसमें आपको फ्लाई ऐशेस भी मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ओके, सॉरी, चलो तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स तो भाई डायरेक्टली एंट्री कर रहे थे एटमॉस्फेयर में, तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो अगर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बच्चों हम डिफिनीशन को समझे, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की डिफिनीशंस क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं कैसे फॉर्म होते हैं, जब इनकी मिक्सिंग हो जाती है किससे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से, तो बन जाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, यहां पर हम लोग ने देख लिए हैं। तो जब इनके साथ मिक्सिंग होगी तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बनेंगे। जैसे सबसे अच्छा आप जैसे आपका जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैन। एक्चुअली इसको इस तरह से लिखना चाहिए था, पी कैपिटल ए कैपिटल एन, इस तरह से लिखना चाहिए था। इसको बोलते हैं पराक्सिल नाइट्रेट। तो अगर हम बात करें तो ये पराक्सिल नाइट्रेट कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बर्निंग कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों ये पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट बनता है। पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट होता है इसका फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं पराक्सिल नाइट्रेट। यस, तो ये पराक्सिल नाइट्रेट बनता है। तो पराक्सिल नाइट्रेट कैसे बना, जब हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ मिक्सिंग कराई, इसकी हम बर्निंग कराई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पैन में कन्वर्ट हो गया। ठीक वैसे आप जानते हैं ओजोन भी दो तरीके की होती है, एक होती है गुड ओजोन जो आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और जो बैड ओजोन मिलती है वो मिलती है ट्रोपोस्फीयर में। जब मैं आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा आपको चार लेयर होती है, पहली होती है ट्रोपोस्फीयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर होती है मेसोस्फीयर, और लास्ट में होती है बच्चों आयनोस्फीयर। ये लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की। तो आप याद रखिएगा जो बैड ओजोन है वो कहां मिलेगी आपको, ट्रोपोस्फीयर में, और जो गुड ओजोन है वो कहां मिलेगी आपको, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो सिंपल सी बात हमें यहां पर ये समझनी है बच्चों कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिक्सिंग होती है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की, तो फाइनली क्या बनते हैं, वो बनते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैन, जिसको बोलते हैं पराक्सिल नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो हम लोग यहां पर दो तरीके के पॉल्यूटेंट समझे, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए अब नेक्स्ट जो पॉल्यूटेंट हम लोग ने छह देखे थे उसमें से बच्चों चारों को यहां पर हम ले लेते हैं, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, क्वांटिटेटिव, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जैसा अगर हम बात करें क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स की, तो
तो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? एक्चुअली ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं बच्चों जो ह्यूमन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग आज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आपको पता है ह्यूमन से क्या बना है, डीडीटी बना है, यस। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स है। अब डीडीटी को जब हम छिड़काव करते हैं वाटर में तो ये भी तो पॉल्यूटेंट्स है, वाटर्स को पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे फंगीसाइड्स है, फंगी को किल करने के लिए फंगीसाइड्स बनाया है ह्यूमन ने। हर्बिसाइड्स है, आपको पता है जो खरपतवार है उनको खत्म करने के लिए हर्बिसाइड्स होते हैं। पेस्टिसाइड है, छोटे छोटे इंसेक्ट जो फसलों को नुकसान करती है उनका जब हम छिड़काव करते हैं तो ये भी पॉल्यूटेंट्स ही हैं। लेकिन ये जो पॉल्यूटेंट जो मैन मेड है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि ये क्या करती है, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को डिफेक्ट करती है, खराब करती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स की। क्वांटिटेटिव का मतलब जैसे कि वर्ड से क्लियर, क्वांटिटी। क्वांटिटी पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या है कि अगर हम क्वांटिटी में इंक्रीज कर दें, जैसे सपोज दैट आपको पता है कि जो प्री एटमॉस्फेयर है वहां पर पहले से ही बहुत सारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, चाहे हम सल्फर की बात कर लें, ये ऑलरेडी पहले से एटमॉस्फेयर में थी। लेकिन क्या हुआ कि हमने क्या किया कि अपनी एक्टिविटी से इनके परसेंटेज में वृद्धि कर दी और एक ये पॉल्यूशंस की तरह एक्ट करने लगे। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि ऐसी गैसेस जो पहले से प्रेजेंट थी हम एटमॉस्फेयर में, लेकिन हमने अपनी एक्टिविटी से इनको इंक्रीज करा दिया है एटमॉस्फेयर में, बैलेंस बिगाड़ दिया है, चाहे बात कार्बन डाइऑक्साइड की हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हम कर ले, या हम बात कर ले सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इनका परसेंटेज हमने एटमॉस्फेयर में बिगाड़ दिया है जो नेचुरल है। तो ये भी किस तरीके का बिहेव करेंगे, ये इस तरीके का जो पॉल्यूशन है इसको हम बोलेंगे ये क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है कि क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट इनमें से कौन नहीं है, तो आपको क्या पता होना चाहिए पहले कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यस। और तीनों को तीनों क्या है बेटा, गैसेस फॉर्म पे है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की, मतलब ये पॉल्यूटेंट्स तो है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ये एनवायरमेंट को गंदा तो कर रहे हैं लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिग्रेड कर देते हैं, इसलिए हमेशा नहीं बने रहेंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल हम ले लें, जैसे हम कंपोस्ट यूज करते हैं या हम जो पेपर यूज करते हैं, कागज यूज करते हैं, पता है आपको लकड़ी कैसे बहुत यूज किया जाता है, बांस का यूज किया जाता है, तो ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब एनवायरमेंट को पॉल्यूट तो करेंगे लेकिन एक समय के बाद ये गायब भी हो जाएंगे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह लास्ट आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यस, जो कि सबसे खतरनाक होते हैं बच्चों, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और सबसे बड़ा कारण बनते हैं एनवायरमेंट में पॉल्यूशंस का। जैसे एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, प्लास्टिक। आज देखिए प्लास्टिक का यूज कितना ज्यादा हो रहा है, इवन जो गाड़ियां आ रही है वो भी प्लास्टिक्स की बनी हुई है, इवन जो खिलौने हैं सब प्लास्टिक्स के बने हैं, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं अधिकतर प्लास्टिक्स की बनी है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें या ऑटोमोबाइल सेक्टर से बात कर लें, आज प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा है। और ये इस तरीके के प्लास्टिक है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब लगातार ये एनवायरमेंट से पड़ी रहेगी, डिग्रेड भी नहीं होगी और सबसे बड़ा कारण बनेगी पॉल्यूशंस का एनवायरमेंट। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग छह तरीके के पॉल्यूटेंट्स को हम लोग ने समझा, इनकी डिफिनीशंस को क्लियर किया, इनके एग्जांपल्स देखे, पॉल्यूशंस की डिफिनीशन हमने देखा, पॉल्यूटेंट्स किसको कहते हैं इसको हमने बोला, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट आया था 1986 उसका एम क्या था, इन सारी चीजों को आज के सेशन पे हम लोग ने बच्चों क्लियर किया है। तो बच्चों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बच्चों, क्योंकि जब आप बहुत सारा व्यूज बढ़ाते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो टीचर्स को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यस आई एम राइट और मैं सही दिशा में आप सभी को समझा पाने में सफल हो रहा हूँ, इससे टीचर्स को बड़ी खुशी मिलती है। जैसे कि आपको पता है सारे के सारे लेक्चर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, और जो बच्चे यहाँ पर नए हो चाहते हैं कि एक ही जगह मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएं, नोट्स उनको मिल जाए पीडीएफ के फॉर्म पे, तो सिंपल सा काम क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां से हमारा जो लर्निंग ऐप है DLCMI एजुकेशन केविन मीडिया, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों तो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट फोन करके भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस तरीके से सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।